पुरानी हवेली। फिल्म में बरोबर लेके जा आराम से बदल जैसा। अंदर जा अंदर जा, जाने दे उसको आदमी। तू इधर जा, इधर भी केवी नहीं, इधर भी केवी नहीं। इतना बड़ा उनको जगह दिया हुआ है रहने के लिए और तुम्हें बोलते हैं मेरा भाई। क्या देख रहे हो? चुराई ये मॉम आने दाने दाने गान में जब घुसेगा ना इधर से मुंबई दिख रहा है ने चले बस चल डीओपी
बस लाइट लगाया वो खाली स्टोरी सुना रहा है, मुझे खुद को डर लग रहा है। हाँ 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 वो निकल ही रहा हूँ। वही तो खाता। हेलो हाँ डीवी खोला चलो कितने पे छः डीवी कौन ने ए वाइट साइड बंद करो बाबा। कैन एवरीवन कैन यू हैव एवरीवनस अटेंशन फॉर अ सेकंड प्लीज। ओके नो व्हाट आई विल डू लेट देम स्टार्टेड एंड आई विल ऑर्गेनाइज इट फॉर अस। चलिए सब लोग रोलिंग। हम लोग आज यहां सिवरी फोर्ट आए हैं एक घोस्ट वॉक करने के लिए, क्योंकि हमें यह बताया गया है एक पैरानॉर्मल सोसाइटी के द्वारा कि यहाँ पे कुछ है आत्माओं के स्वरूप में। तो मैं पहले उनको बुलाकर आपसे मिलवाना चाहूँगा। मैं पहले तो डीमोनोलॉजिस्ट हैं ये सरबजीत साहब, जरा आएंगे आप प्लीज। जी सर आपका एसोसिएशन का नाम? पैरासाइकोलॉजी एंड इन्वेस्टिगेशंस रिसर्च सोसाइटी, इट इज इंडियाज ओनली रजिस्टर्ड पैरासाइकोलॉजी सोसाइटी। तो इनका काम है कि जो जिन जगहों पे भूतों ने प्रॉब्लम क्रिएट किया हो, जो लोग पीड़ित हो इन सब चीज़ों से, उनको ये हेल्प करते हैं। जी बिल्कुल। उनके साथ उनकी एक फ्रेंड है, एसोसिएट है, उनका नाम है पूजा। पूजा जी जो हैं वो एक साइकिक है, वो ये एनर्जीज फील कर सकती है, एनर्जीज के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। ये दोनों साथ में ये चलाते हैं इस जगह को। जी तो आप बताना चाहेंगे कि आपको, आपने यहाँ पे पहले एक चक्कर मारा? जी तो आपको क्या फीलिंग आई? पहले तो ये जगह की जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी है, यहाँ पे बहुत सारे इन्वेजन हुए हैं, अटैक्स हुए हैं, पायरेट अटैक्स हुए हैं, और कभी यहाँ पे प्रिजन हुआ करती थी, तो जिसका मतलब है कि यहाँ पे लोगों को रख के टॉर्चर किया जाता था, और टॉर्चर करते करते मारा भी गया है यहाँ पे। तो वो जो अनटाइमली डेथ्स हुए हैं यहाँ पे, दैट इज द रीजन कि यहाँ पे अभी व्हाट वी कॉल एज एनर्जीज और स्पिरिट्स जो कि अभी भी यहाँ पे हैं एंड दे रोमिंग अराउंड, एंड प्रोबेबली उनको आइडिया नहीं है कि वो मर चुका है। जी तो मतलब एक है या एक से ज्यादा? ज्यादा डेफिनेटली मोर देन वन। एंड कुछ ऐसे भी हैं जिनको शायद अब तक ऐसा लग रहा है कि दे आर स्टिल इन द प्रिजन। तो ये जो एनर्जीज हैं वो मतलब हम जैसे कहते हैं ना कि मैली ताकत है, अच्छी ताकत है, या सिर्फ कंफ्यूज है बस? कॉम्बिनेशन, मतलब मैली ताकतें भी हैं, अच्छी भी है एंड कंफ्यूज भी है। तो हम जब अंदर जाएंगे तो हम पर कुछ अटैक वटैक तो नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल नहीं होगा। बस एक चीज का ध्यान रखिए, कोई डरिएगा नहीं, डरने की कोई बात नहीं, डरिएगा मत भाई मेरे मीडिया के दोस्तों। किसी को डरने की कोई कुछ भी जरूरत नहीं है, हम लोग साथ हैं। डर के आगे जीत है या डर के आगे फिर बाकी सब भी। तो हमने ये ठान ली है कि भूतों की फिल्म बना बना कर बहुत डरा लोगों को, आज हम डरने आए हैं बिल्कुल, और ये साबित करने आए हैं कि भूत होते हैं। एंड जो लाइन है घोस्ट में, द एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। हो गई बंद, हाँ बंद शुरू हो गई, आइए चलते।
जस्ट एक चीज बिफोर वी मूव अहेड, प्लीज जस्ट मेक श्योर नो वन इज शाउटिंग एंड टॉकिंग इन अ वेरी लाउड वॉइस, स्पेशली जब कम्युनिकेशन हो रहा हो, प्लीज मेंटेन साइलेंस. या एंड प्रोबब्ली जस्ट कीप योर फोन ऑन वाइब्रेशन मोड. या अदरवाइज फिर कैमरा में ही प्रॉब्लम हुआ कि चल रहा है एंड पीछे से गाना बजेगा फिर. एंड वी हैव टू स्टे रिस्पेक्टफुल इवन टू द एनीवन, यस, नॉट ओनली द ह्यूमंस अराउंड बट इवन टू द. या ये बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि वी शुड बी रिस्पेक्टफुल इवन टू द एनर्जीज ऑफ द अदर साइड. तो फोन प्लीज साइलेंट पे कर दीजिएगा सब लोग. और कौन आ रहा है? लाइट नहीं सर, मैंने वाइट कर दिया सर. दीक्षा पीछे है, सब पीछे हो जाए तो हम लोग आगे चलते हैं, आप लोग सब पीछे आ जाइए सब लोग. हम इनसे पूछेंगे कि जब ये यहाँ पे चल के आए थे तो ये कौन से एरिया में गए थे और उन्हें कहाँ पे कुछ महसूस हुआ था. हम तो यहाँ से शुरू करेंगे पहले, बाकी बहुत जगह है देखने को, लेकिन क्योंकि इनको जरा बताएंगे ये है क्या. सो ये एक गोस्ट मीटर प्रो है, नाम पे मत जाइए. अगर सिंपल से बताने जाऊँ तो ये एक EMF सेंसर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेंसर है. ये सेंस करता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में अगर कुछ भी फ्लक्चुएशन हो, दिस थिंग विल डिटेक्ट. तो अभी ये बोला जाता है कि जब स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन होता है वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है, क्योंकि वो भी एनर्जीज हैं तो वो फ्लक्चुएट हो जाती है, फ्लक्चुएशन ये कैप्चर करेगा. एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प अस टू इन्वेस्टिगेट. जब कोई एनर्जीज होगी तो ऐसे ऐसे लाइट जलेंगे, जलेगी. इट्स एक्चुअली वेरी ब्राइट बट बिकॉज यहाँ पर काफी लाइट है वो रेड दिख नहीं रहा है. बट दिस शो यू अगेन, या लाइक दैट, इट विल ग्लो इफ देयर इज एन एंटिटी अराउंड. अभी कुछ नहीं है, अभी इट्स ऑन जीरो राइट नाउ. अभी आगे आगे देखते हैं होता है क्या. अरे आगे कौन जा. हाय एवरीवन, जो भी है मेरा नाम सरबजीत है. प्लीज बी साइलेंट. मेरे साथ पूजा हैं और हमारे साथ विक्रम सर हैं. शायद आप जानते होंगे इन्हें बहुत अच्छी तरीके से, बट आप हमें भी जानते हो क्योंकि हम बहुत बार आ चुके हैं, आप जैसे लोगों के साथ ही काम करते रहते हैं. इस बार भी आया है, मुझे पता है काफ़ी सारे कैमराज हैं, लाइट्स हैं, लेकिन आप डरिए मत, डरने की कोई बात है ही नहीं. बस बात करना है आपसे और चले जाना है, उतना ही है. तो इफ देयर इज समथिंग, अगर कोई है यहाँ पे जो मुझे सुन सकता है, ऑफ कोर्स देख पा रहा होगा इतनी सारी बत्तियाँ हैं यहाँ पे, अगर कोई ऐसा कुछ भी है जो मुझे समझ पा रहा है, देख पा रहा है, हमसे बातें करने की कोशिश करना चाहता है. देखिए अजान चल रही है ना. जी अजान खत्म हो गई. जी क्या मैडम, अगर साइलेंस रखेंगे ना तो अननेचुरल साउंड्स आएंगे, वो बेटर रहेगा. दैट इज इवन बेटर. सो फॉर दैट वैसे ही है, लेट इधर आ जाना जल्दी. अरे यार आप लोग मत जाओ, आप लोग आगे मत करो, जिसको जाना है वो लोग को जाने दो.
मोबाइल पीछे, इच्छा पीछे आया, पता नहीं चल तुम लोग यार। ये कह रहे हैं कि वो जो कमरा है ना वहाँ पे अंदर, जहाँ पे ऑलरेडी वो इंसान है, तो बाहर आ जा, इंसान बाहर आ जा। वो जो कमरा है उसमें काफ़ी उनको ऐसा लग रहा है जो पूजा है साइकिल कि वहाँ पे कुछ है जो सही नहीं है। अगर हम लोग सारे जाएंगे वो तो पता चलने से रहा। एक बहादुर कौन है जो कैमरा लेके जाएगा अंदर और अपना फीड जो है वो सबको दे देगा। मोबाइल ये दो जा रहे हैं बस, तैयार है वापस, हमें बस एक सिंगल स्पाइक दीजिए। अगर आप हमसे बात करने के लिए तैयार हैं प्लीज हमें एक सिंगल स्पाइक दीजिए अभी, जैसे आपने दी थी, जस्ट फॉर अ कंफर्मेशन। डरने की कोई बात नहीं है, कुछ कोई नहीं करेगा आपको कुछ भी, बस जैसे वापस आपने दिया था वैसे। और एक बार चाहिए और हम ये रूम छोड़ देंगे, प्रॉमिस पक्का। हो सकता है और एक बार ब्लिंक करो, पीछे पीछे ब्लिंक हो रहा है, जा रहा आ रहा जा रहा होगा वो यहाँ पे। कैन आई चेक आउट? यहाँ है पूछ। क्या यहाँ पे कोई है जो हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है? अभी टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग, इट्स डैम कोल्ड हियर, देयर वॉल जो है 29 से 27.9 हो रहा है। क्या आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो प्लीज इस डिवाइस पे ब्लिंक दीजिए, हमें एक स्पाइक दीजिए कि हमको समझ में आए कि आप यहाँ पे हैं और आप हमसे बात करना चाहते हैं। Trying to manifest, लेकिन नहीं हो रहा। टेम्परेचर 2 डिग्री घटी है। I think that woman knows. Yeah. अगर ये आपका इशारा ये है कि आप हमसे अब भी बात करना चाहते हैं, प्लीज एक और बार वापस पर थैंक यू। वो ये हो रहा है ना, निडल्स। या इट्स स्पाइकिंग एंड दैट्स द टेम्परेचर। लुक एट दैट, सी दिस, लुक एट दिस द K2 मीटर। इट वाज All our devices are going crazy right now. It's gone. The temperature has also dropped. Look at this. You saw that? The K2 went full 5 lights gaya tha, which is very rare. Should we try? Because there's an entity trying to communicate. We can, but the speaker is niche. I'll have to go and get it. I get it. I think you know what? It'll connect to you. Connect with 1 spike, 2 spike. Yeah. See this? Try it that way. Yeah. Okay. Yeah, it's gone full. One spike for yes please, 2 spikes for no please. Yes, it's one spike. Yes, thank you very much for talking to us. It's gone again. It's again one. Are you feeling? No, it is trying to, you get the EVP, it's trying to say something that. So let's go out and come back in. Yeah, it's one just. Oh, okay. So we are also getting the motion sensor, and we are getting the speaker and the motion sensor. But we have to make sure that its face comes to pass. It's pass in front of this, so it will glow. Jayega. So we'll be trying this as well as we'll be trying the. आपकी आवाज़ सुनाई दी, आप फिर से वापस आ सकते हो. बता सकते हो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग हैं?
I don't know, few or I felt like बहुत सारे हैं बहुत सारे many मैंने ये स्पीकर अभी एक बहुत फेमस डायरेक्टर के पास रखा है क्या आप उनका नाम ले सकते हो कोशिश कीजिए हो या आपसे अंदर चलते बेटर होगा Hi. I said hi. Yeah. It's female voice. It's a female voice. Oh, but yeah, we can replay it on this. Yeah. Yes. जाओ यहाँ से मैं हूँ. I heard these two lines. जाओ यहाँ से मैं. जाओ यहाँ से. No, जाओ यहाँ से. Come, I don't think we should disturb the peace. Okay. निकल जाओ यहाँ से पक्का. आप एक इस पे फाइनल स्पाइक दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं मैं हाँ चले जाओ हाँ चले जाओ ये मैं बंद कर रहा हूँ बस एक बार एक फाइनल रिक्वेस्ट ये मैं बंद कर रहा हूँ जिससे आप बात करने की कोशिश कर रहे हो इसमें हमें स्पाइक चाहिए एक फाइनल टाइम अगर आप चाहते हो हम निकल जाए बाप रे आज देख भी लिया सर आवाज सुनने का एक्सपीरियंस आपका भी फर्स्ट टाइम था हाँ फर्स्ट टाइम ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी मैंने यार My God. So this was Vikram Bhatt's first time. इतनी मूवी बनाने के बाद सुनना मेरा पहली बार सुनना पहली बार नहीं वैसे चीक सुनी थी चीक सुनी सॉलिड मतलब भयानक चीक आपने रखी थी उसमें उस मूवी के अंदर हाँ हाँ राज में जो राज में रखी थी सर वो तो आइकॉनिक है अभी और अपने तो मुझे अब पीछे व्हाइट व्हाइट रखा पीछे छोटे पीछे ना They were all there, yeah. Yeah. सब लोगों ने सुना कि नहीं? जी जी. They just said get out. Why would we go back to this one? Now that English, not the same. What? Taking it on other side. Guys, let's start. Let's start. Okay. देखिए मैं आपको बताऊं कि हम लोग यहाँ पे प्रमोशन करने आए थे और बहुत सारा कमोशन हो गया है ये लोग ना बच गए इससे हम लोग अंदर गए और हमको लगा ना कि ये यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं और मुझे तो ऐसा लगा कि इतने सारे कैमरा लेके आए हैं अंदर कुछ होगा नहीं लेकिन एक्चुअली वो जो मीटर था आई थिंक इट इज़ कॉल्ड EVM मीटर या कुछ मीटर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ है अच्छा ये तो मैंने बताना ही भूल गया कि उनके पास वो एक थर्मामीटर है जो वो लेज़र लेज़र वाला थर्मामीटर फट 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 टेम्परेचर नीचे जा रहा था माय गॉड और वहाँ पे मतलब बकायदा उसने हमसे कहा कि गेट आउट फिर वो पैरानॉर्मल सोसाइटी वाले साहब ने कहा उनसे कि कौन है बोलता है मैं हूँ निकलो बोला निकलो भैया पतली गली से फिल्म तो आपने कर दी आई विश कि जितना आप अब तक नहीं डरी होंगी आप वहाँ अंदर जाने से डर रही हैं पर आप मैं नहीं जा रही हूँ अभी वॉइस आप कुछ सुन रही थी क्या हाँ वो मैंने उस पर सुना है आई हर्ड हाय हाय यू हर्ड ना या देयर वाज अ गर्ल हु सेड हाय अ वुमन हु सेड हाय एंड हाँ तो मैं ऑब्वियसली हम वापस तो नहीं जाएंगे हम या बिकॉज इफ दे हैव सेड गेट आउट मींस वी शुड गेट द पॉइंट नो व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक दैट टू मी सनाया तो ऑब्वियसली आई एम जस्ट रियली ग्लैड दैट आई डिडंट गो इन देयर मैं बहुत बड़ी फट्टू हूँ आई जस्ट डोंट या आई एम जस्ट फ्रीक्ड आउट राइट नाउ एक्चुअली
क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने मिस कर दिया, आई वुड हैव लाइक टू गो। थैंक यू। तो अभी आप जाना चाहेंगे अंदर? मैं दोबारा नहीं जाना चाहूंगा बिकॉज़ डिस्टर्ब नहीं करना मुझे, पर अगर उस समय होता आई वुड हैव वांटेड। मैंने वही कहा, कुडंट यू हेल्प देम लाइक से गो टू द लाइट? मैं हम लोग ने क्या है बोला नहीं सर, नहीं थैंक यू आई थिंक वायर था, थैंक यू बोला हम लोगों ने। फिर वो जो पूजा जी हैं वो पैरानॉर्मल सोसाइटी वाली, उन्होंने कहा कि अगर आप चाह रहे हैं कि हम चले जाएं यहाँ से तो वो जो मीटर है उसको आप स्पाइक करिए, तो फट से स्पाइक किया उसने, मतलब उससे ज़्यादा कोई बोल नहीं सकता कि भाई निकल लो। अच्छा सर, ना ये ट्रू स्टोरी ट्रू इवेंट्स पे डिपेंड है ये स्टोरी, हम बोल सकते हैं सर ने काफ़ी रिसर्च भी किया है, कभी आपने एक्सपीरियंस किया इन शूटिंग? आज के जो एक्सपीरियंस है उतना कुछ नहीं उतना कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, इतना इतना ऐसा वाला नहीं हुआ है, नहीं इट वाज फाइन, ठीक था। नहीं सेम, ये एक्सपीरियंस ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस है। काफी सराहा जा रहा ट्रेलर को, सॉन्ग को, क्या कहना चाहोगे? बहुत ही हैप्पी है, बहुत ही एक्साइटेड है कि सब लोगों ने ट्रेलर को बहुत पसंद किया है। इनफैक्ट बहुत लोग कह रहे हैं वी आर वेटिंग टू वॉच द फिल्म। आई जस्ट होप ये एक्साइटमेंट रह। माय गॉड विक्रम प्लीज यार, आई जस्ट होप ये एक्साइटमेंट रेजोनेट होता है, आई मीन इट कम्स टू द बॉक्स ऑफिस, दैट्स इट। अब मैं ज्यादा बोल नहीं सकती यार, प्लीज क्वेश्चंस मत पूछो, इसी जगह पे क्वेश्चंस मत पूछो यार। थैंक यू चलते चलते यार। आते सब आ जाओ।